मेहताब और आप देख रहे हैं वेलटेक। दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि 2020 में अगर आपको भी यूट्यूब चैनल अगर प्लान करना था कि हम भी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करें और उसके ऊपर वीडियो डालें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा रुक जाओ, इस वीडियो को देख लो, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सिर्फ यूट्यूब का चैनल बनाने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, हमको उसके बदले में कुछ पैसे तो मिलने चाहिए। ये हालांकि मुझे नहीं पता है कि आप यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए आ रहे हो या क्या करने के लिए आ रहे हो, लेकिन फिर भी मेरी ओपिनियन जहाँ तक ये है कि अगर आप यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करते हो तो उसके बदले में अगर आपको कुछ मिले तो शायद मेरे ख्याल से आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो इस वीडियो में बहुत कुछ तो मैं बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन हाँ दोस्तों मैं ये जरूर बता दूंगा कि आपको कंपेयर कर दूंगा कि एक टेक चैनल पे और किसी और कैटेगरी के चैनल पे क्या अर्निंग है, क्या पैसा है। कुछ भी काम करते हो, 2 से 4 घंटे यूट्यूब चैनल बनाना और वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है। उसमें 2 घंटे 4 घंटे 10-10 घंटे 2-2 दिन एक एक वीडियो में लग जाते हैं, और इंटरटेनमेंट की वीडियो की बात करें तो 1-1 महीना 2-2 महीने लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वीडियो तो आप बना रहे हो, अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लेकिन उसकी अर्निंग क्या है, उसका पैसा क्या है, उसके फायदा क्या है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को अगर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो आते रहते हैं। तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले, यानी 3 दिन पहले की बात है, हम लोग चैनल के जो अर्निंग है उसके विषय में बात कर रहे थे। तो एक मेरा फ्रेंड का चैनल है जो इंटरटेनमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो मतलब डाला है 1 हफ्ते पहले, जिस पे 3,000 समथिंग व्यू है। 3,000 समथिंग व्यू पे $1.55, यानी कि 55 पैसे मतलब $1.55, यानी कि $1.55, यानी कि हम इंडियन भाषा में बात करें तो। और मेरा जो फ्रेंड का जो चैनल है और मेरा फ्रेंड का देखिए कितना व्यू है और यहाँ देखिए कितना डॉलर है, सोच सकते हो। अब हमको पता चल रहा है और आप भी सोच रहे होंगे कि जिन पे 10 मिलियन व्यूज़ आते होंगे उनको कितना पैसा मिलता है। तो पैसे तो उनको मिलते होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1 मिलियन व्यूज़ अगर कॉमेडी का अगर यहाँ पे कर दें और उसके बाजू में अगर हम 7 लाख व्यूज़ अगर सिर्फ टेक चैनल के कर दें, यानी टेक कैटेगरी के वीडियो को, तो उन दोनों का सेम अमाउंट मेरे ख्याल से लग रहा है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए इतना व्यू का इतना पैसा है और यहाँ टेक का देख लीजिए इतने व्यू में इतने पैसे आ रहे हैं। तो अजीब, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि कितना डिफरेंट है। अगर आप अगर YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो ये आपकी ओपिनियन है कि आप किस टाइप के चैनल क्रिएट करेंगे, आपके जिसके ऊपर हॉबीज होगा वही चैनल आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको यही बताया कि कितना डिफरेंट है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 3,000 समथिंग डॉलर्स के $1.5 हो गए हैं और यहाँ पे इतने में सिर्फ देखिए क्या हुआ है। तो सोचिए, आई होप ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो। फिर अगर प्लान क्या है वो सोचो, 1-2 दिन लेट चैनल क्रिएट करना, लेकिन थोड़ा प्लान करो, थोड़ा सोचो। लेकिन जो भी चैनल क्रिएट करना, जिस टाइप जिस कैटेगरी का भी वीडियो आप क्रिएट करना, मतलब क्रिएट करना, सोच के करना कि उस टाइप की वीडियो हम फ्यूचर तक दे पाएंगे कि नहीं। फिलहाल दूसरे को देख के नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।